विश्व पर्यावरण दिवस से शहर में बीज बैंक की शुरुआत की गई। प्रबल वेलफेयर सोसाइटी ने प्रकृति प्रेमियों के साथ मिलकर मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से की है। मेडिकल कॉलेज डीन की मौजूदगी में कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। मिशन ऑक्सीजन का मूल उद्देश्य शहर में हरियाली के साथ ही ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखना है। 5 जून से 30 जुलाई तक अभियान के तहत हर घर से बीज एकत्र कर बंजर भूमि में रोपित किए जाएंगे। ग्रुप संचालिका अदिति दवेसर ने बताया, दरअसल हमारी एक प्रबल सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी है जिसके तहत हम लोग एक मिशन ऑक्सीजन करके एक अभियान हमने शुरू किया है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी था और मुझे अभी जो कोरोना काल में हम लोगों ने स्थितियां देखी वो इतनी भयावह रही हैं और रतलाम के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो यहाँ लोगों में जनजागृति का बहुत ज़्यादा अभाव है, स्पेशली पर्यावरण को लेकर। इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़ी सी गलती मैं मानती हूँ, क्योंकि वृक्ष अधिनियम 2001 बना ही इसलिए था कि निगम आयुक्त को इसका वृक्ष अधिकारी बनाया गया कि यदि कोई भी पेड़ काटने की अनुमति मांगता है तो उसके पूर्व उसको 5 पेड़ लगाने आवश्यक हैं और 5 साल तक उसका संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। तब तक अनुमति, परंतु हमारे यहाँ इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं होते और जितने भी 4 लेन्स बने हैं उसमें काफ़ी मात्रा में वृक्ष काटे गए, जिसकी वजह से मैंने एक PIL लगाई थी, जनहित याचिका हाईकोर्ट में, जब बाजना 4 लेन का चल रहा था। तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में ये दिया कि डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन उन्होंने निगम से ये बोला कि आपने पेड़ कहाँ लगाए हैं उसका कंप्लायंस हमें भेजिए, क्योंकि ये कंपलसरी है कि जितना आप डेवलप कर रहे हैं उतने पेड़ भी पर्यावरण को आपको सुरक्षित करना। तो अब जाके निगम ने, चूंकि कोर्ट ने कंप्लायंस मांग लिया, तो वो अब हमको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि 500 पेड़ करीब लगाएंगे। इनसे कुछ 362 पेड़ों की अनुमति मांगी गई थी और 100 पेड़ों की इन्होंने अनुमति दी है, तो उसके एवज में ये 500 पेड़ हमारे साथ मिलके, और मैंने कहा संरक्षण के लिए आप हमें ट्री गार्ड्स भी दीजिए, क्योंकि जो भी ठेकेदार या एजेंसी ये कार्य करती है उसको पहले इसका पूरा पैसा निगम में जमा करवाना पड़ता है। और इस वजह से हमने एक ये मिशन ऑक्सीजन यहाँ से शुरू किया है कि इसमें रतलाम के लोगों को भी मुझे जागृत करना है कि आप पेड़ों को बचाइए। जो स्थिति आज ये निर्मित हुई है कोरोना महामारी की, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पर्यावरण में इतना असंतुलन पैदा हो गया है कि ये प्रकृति की नाराज़गी है। साथ ही हम लोग एक सीड बैंक योजना चालू कर रहे हैं जो महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में काफ़ी सक्सेसफुल रही है, कि आप अपने घर में जो भी फल खाते हैं उसके बीज हमको सुखा के दे दीजिए, मतलब जो भी गुठली वगैरह होती है धो के और उसको साफ करके हमें दीजिए, हम सीड्स बॉल बनाएंगे उसकी काली मिट्टी में मिला के, और बारिश के समय में हम उसको बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे और जहाँ पे भी मिट्टी वाला स्थान होगा वहाँ उसका रोपण करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष भी हमारे शहर में दिखें। और ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक लोगों में ये जागृति ना आ जाए कि पेड़ नहीं कटने चाहिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो। 3 उद्देश्य हैं, नए पेड़ लगाना, संरक्षण करना और पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लिए जागरूक करना। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने कहा, ये आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे कैंपस में पौधों का रोपण हुआ है। इस कोरोना की लहर ने ये सिखा दिया है कि कोरोना का सबसे प्राइमरी ड्रग जो था ऑक्सीजन था, तो पौधे लगाने से ये हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पौधा लगाने से ऑक्सीजन होता है। और ये इस बार हम काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर पौधे लगाएंगे कैंपस में और इसको ग्रीन बनाएंगे। लगभग कितने पौधे लगाने का? अभी तो आज से शुरुआत है और लगभग इसी साल हम कोशिश करेंगे कि पूरा कैंपस कवर कर दें इसको ग्रीन करने के लिए। उसमें क्या बड़े पौधे भी लगाएंगे? हाँ, बड़े, अधिकतर बड़े पौधे रहेंगे जो छावदार होंगे आगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अभी चालू होने वाला है तो जो परिजन आएंगे उनके लिए छावदार पौधे की ज़रूरत होगी। बड़े पत्ते जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, ऐसे पौधे हम चूज़ करेंगे जो कम से कम पानी ले, और छोटे पौधे भी रहेंगे इसमें। बस से उतरी एक महिला के पर्स से रुपए निकालते पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। खबर के मुताबिक एक महिला धार से आकर मंदसौर जा रही थी। महिला दूसरी बस में बैठ पाती इससे पहले ही महू बस स्टैंड पर घूम रहे युवक ने
पर्स से पैसे निकालने का प्रयास किया। पर्स में 700 रुपए थे। महिला के शोर मचाते युवक भक्तन की बावड़ी शमशान की तरफ भाग गया, जिससे पुलिस कर्मियों ने दौड़कर पकड़ लिया और थाने ले गए। मामले की जानकारी देते हुए एसआई आईएम खान ने बताया, वो बस स्टैंड पे ऐसा सुना है कि बोले महिला का पर्स वगैरह कुछ चोरी कर रहा था और फिर उसके बाद वाद विवाद भी कर रहा था वहाँ पर, तो उसे लेकर थाने पर आए हैं। जैसी विधानिक कार्रवाई करेंगे पूछताछ करके। कहाँ का रहने वाला है कुछ चोरी? ये नामली के पास के गांव का बता रहा है। महिला कहाँ से आ रही थी? कहाँ? महिला धार से आ रही थी, मंदसौर जा रही थी। टैंकर रोड से लगी कृष्ण विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद कर गैस टंकी में आग लगा दी। इससे गैस टंकी फूट गई और घर में रखा सारा सामान जल गया। खबर के मुताबिक उत्तम यादव ने किसी बात को लेकर शुक्रवार शाम पत्नी वर्षा से विवाद किया। इस दौरान उसने पत्नी व बच्चों से मारपीट कर गैस टंकी में आग लगाने की धमकी दी। पत्नी बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। पड़ोसियों ने वर्षा के भाई को फोन लगाकर बुलवाया। इसी बीच उत्तम ने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर गैस टंकी में आग लगा दी और खुद बाथरूम में जाकर छिप गया। कुछ ही देर में टंकी फूट गई। औद्योगिक क्षेत्र थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आग बुझवाकर उत्तम को हिरासत में लिया। आग लगने से टंकी फूट गई, जिससे मकान में भी क्षति पहुंची और घर का सामान भी जल गया। बताया जाता है कि पति उत्तम यादव शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट भी करता है। पत्नी वर्षा यादव ने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पति ने मेरे भैया भाभी का पर्स और मोबाइल भी गायब किया है। जी, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन उस समय मैं बाहर निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे साथ जीना झपटी करके हाथ पकड़ के अंदर ले गया। पूरी कोशिश करी, उस सब भैया भाभी आए, भैया का और भाभी का पर्स गायब किया, मोबाइल गायब किया। भैया भाभी आए पूछने के लिए, बोले जिया जी मोबाइल दे दो। इस बीच में उन्होंने सोचा मेरे देवर विक्की यादव और एक उनका मित्र था मालवी यादव बबलू करके, उन्होंने बोला भाभी आप बाहर निकलो। तो इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। उस व्यक्ति ने अंदर से गेट लगाया, ताला मारा और सारे ये पुलिस वाले यहाँ से जितने भी गए थे, इन्होंने सब ने देखा है, अंदर से ताला तोड़ा, वो व्यवस्थित निकला, उसको कुछ भी नहीं हुआ सर। मेरा टंकी लगाई थी आग, मेरे पति उत्तम यादव ने लगाई थी सर। सारी टंकी वगैरह कपड़ों में सब में उन्होंने आग लगा के पूरा घर तहस नहस कर दिया मेरा। शनिवार को शहर में 9 स्थानों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए केवल रतलाम शहर के कुल 9 स्थानों का चयन किया गया था। कार्जुनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर केंद्र पर अत्यधिक भीड़ होने से दोपहर को ही वैक्सीन खत्म हो गई। बताया जाता है कि वैक्सीन के लिए नागरिक सुबह से आकर लाइनों में खड़े रहे, लेकिन दोपहर तक नंबर नहीं आया। नागरिकों का कहना था कि नंबर से टीके लगने चाहिए थे, लेकिन पहचान वालों को बिना लाइन के अंदर ले जाकर टीके लगवाए गए हैं। वैक्सीन लगवाने गई महिलाओं ने बताया, पहचान वालों को ले जाके अच्छा इंजेक्शन इन्होंने लगवा दिया और जो लाइन में धूप में खड़े हैं वो खड़े ही हैं। राधा बैरागी, कब से आप आई हुई हैं और कब से? हम 9 बजे की आई हैं और 9 बजे से बैठी हैं। हम तक बिठाता नहीं, वहाँ पे लेटी थोड़ी देर, बैठी थोड़ी देर, लेटी ऐसे बैठे अभी तक खड़े हैं। अब नंबर बताया था कि 23 हुआ, मगर अब जब ना मालूम कब आएगा। मेरा नाम अनिता पंचाल है। कहाँ से आए आप? मैं टाटा नगर से आई हूँ। कितनी देर से खड़े हुए हैं? 9:30 बजे से हम लाइन में खड़े थे पीछे से, कब से अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। अभी क्या कह रहे हैं? नहीं, हम वैक्सीन लगवा के जाएंगे। नहीं, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगा? कुछ आधा घंटा तो हमको कब से बता रहे थे, आधे घंटे पहले से बोल रहे हैं आधा घंटा, अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया। टीके लगाने में भेदभाव का आरोप लगाकर विवाद भी हुए, जिससे हंगामे की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही शहर SDM अभिषेक गहलोत भी केंद्र पर पहुंचे थे। लगता है लॉकडाउन को लेकर आंशिक अनलॉक तक शहर को जिम्मेदारों ने प्रयोग का शहर बना दिया है। प्रशासन तरह तरह के प्रयोग कर व्यवस्था दे रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों का ही नुकसान हो रहा है। अनलॉक के बाद शनिवार रविवार को फिर लॉकडाउन से फल विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। 2 दिन के फिर लॉकडाउन से आम सड़ने लगे हैं, जिससे एक विक्रेता को 16,000 रुपए के 5 क्विंटल आम सड़ने के कारण फेंकने पड़े। यही कारण है आम सड़ नहीं जाए,
इस कारण कुछ फल विक्रेता बिना मुनाफा लिए सस्ते में आम बेचने को मजबूर हो गए। फल विक्रेता अफ्तार हुसैन ने बताया। मेरा नाम अख्तर हुसैन है सर। भाई क्या कारण है आज आप आम फेंक रहे हो? क्या जी सर, हमारा ये कहना है कि प्रशासन तो हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें कभी कभी एक दो दिन का जैसे बंद हो जाता है ना मामला सर, तो हमारे लिए क्या है कि ये एक दो दिन रुक नहीं सकता सर। ये एक दिन में अथवा खराब हो जाता है तो हमारे को उसको फेंकना पड़ता है, तो ये लॉकडाउन की वजह से जो लॉकडाउन लगता है उसकी वजह से हमारे को थोड़ा नुकसान हो जाता है। बाकी प्रशासन ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा है और 3 महीने से वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। कितने का नुकसान हुआ है? कितना माल फेंकने वाला सर? ये कुछ भी 5 क्विंटल के करीब माल है सर, 15 से 16 हज़ार रुपये का माल है सर आज ये। तो थोड़ा हमारे प्रशासन ने हमारे लिए तो अच्छा करा और आगे भी थोड़ा हमारे लिए अच्छा सोचे तो हमारा थोड़ा कामकाज चलता रहे, नुकसान से बचे थोड़ा। नामली थाना क्षेत्र के ग्राम बरबोदना में कोरोना काल की पाबंदियों के बावजूद निकली कलश यात्रा की जानकारी नहीं होने पर एसपी गौरव तिवारी ने शुक्रवार शाम को ही बीट प्रभारी एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बरबोदना में जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए धार्मिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आयोजन पर 18 व्यक्तियों के विरुद्ध नामली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव तथा पटवारी को भी निलंबित कर दिया है। इस मामले में एसपी गौरव तिवारी ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम बरबोदना के बीट प्रभारी एएसआई को कमजोर सूचना तंत्र और कलश यात्रा के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।